कैसे आप सभी, स्वागत आपका इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों का मौसम आ चुका है। इस समय जो पशु पक्षी होते हैं वो सभी प्यासे और भूखे होते हैं। दोस्तों, जैसे पक्षी होते हैं ना, वो छत पर आते हैं, वहां पर उनके लिए अपने को कुछ दाना या फिर पानी डालना होता है। वो दोस्तों बड़ा ही दान और पुण्य का काम होता है, वो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे यहाँ पर एसी वाला आइडिया किसने दिया था आपको? एसी बांध के डोली को ऊपर खींचा जा सकता है ऐसे। पानी सर, पानी डालो, यहाँ पे डालते हो आप, कैसे डाल। उधर भी है रुक सात्विक, और पानी मंगवाना। सात्विक बहुत रुको एक बार। जो लड़का है छोटा है सात्विक, देखो वो रहा। वो दोस्तों हर रोज ये कार्य करता है कि जो पक्षी होते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था और यहाँ पे बाजरे की व्यवस्था वो हर रोज करता है, हर रोज यहाँ पे डालता है। दोस्तों, ऐसा हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, केवल छोटे बच्चे ही नहीं, जितने भी बड़े या छोटे बड़े बूढ़े सभी होते हैं, उन सभी को ये कार्य करना चाहिए। बड़ा ही पुण्य का कार्य होता है दोस्तों। जो पक्षी होते हैं भूखे होते हैं प्यासे होते हैं, उनके लिए स्पेशल कोई होता नहीं, हम जैसे जो लोग होते हैं वही डालते हैं उनके लिए। ऐसे दोस्तों, इसलिए ये कार्य सभी को करना चाहिए। हम आपको भी कहते हैं कि आप भी यह कार्य जरूर कीजिए, और जो पक्षी होते हैं उनके लिए पानी और जो दाना की व्यवस्था होती है वो आप भी कीजिए, आपको भी बड़ा पुण्य मिलेगा। दोस्तों, ये है वो सात्विक बच्चा जो पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करता है। तो सर, तो सात्विक सर, ये आप कार्य कितने समय से कर रहे हैं? जब से गर्मी स्टार्ट हुई तब से ये कार्य कर रहे हैं। ये बड़ा धार्मिक पुण्य का काम कर रहा है सात्विक। कबूतर के छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, इनके छत के ऊपर वे रहे, दो तीन छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए जल की सुविधा कर रहा है, और साथ में जो बाजरी होती है बाजरी के दाना भी डालता है ये यहाँ पर। और आता हूँ। खत्म हो गया फोन। इस प्रक्रिया से ये हर रोज यहाँ पे भी पक्षियों के लिए भोजन तथा पानी की व्यवस्था करता है। बाजरे डाल दो, बाजरे खत्म हो गए। बाजरे नहीं, बाजरी पक्षियों के लिए क्या डालते हो आप? दाने, पानी और कुछ नहीं। और कुछ डालते हो? बाजरी, जैसे बाजरी डाल दी, दाने डाल दिए, रोटी डालते हो क्या? नहीं, रोटी तो नीचे डालते हो। चलो अपने कबूतर दिखाओ, कबूतर के बच्चे कहाँ कैसे हैं? ये देखो वो रहे। क्या है वहाँ पे? वो कबूतर के बच्चे। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? दो बच्चे हैं। इनके लिए डेली क्या डालते हो? इनके लिए सिर्फ पानी डालते हैं। पानी डालते हो इनके लिए? और कुछ खाते नहीं है ये? नहीं। इनकी माँ नहीं आती यहाँ पे? पता नहीं। इनकी माँ से आप कभी मिले नहीं हो? नहीं। क्यों नहीं मिले? मिलना था ना। पूछ तो लेते, इनके लिए रोटी बना दे, रोटी बना दे, पानी ले आ दे इनके लिए इसकी माँ से। ट्रैक्टर कहाँ है? ट्रैक्टर वहाँ को रख रखे है, पता नहीं कौन फेंक दिया। मैं लेके आता हूँ। ना लेके वहाँ और मिलेंगे कुछ, क्लीवर आ जाएगी। अयो